एंड वेलकम बैक टू अनुप्रियस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जो ब्लैंकेट्स हैं उन्हें क्लीन करती हूँ या ड्राई क्लीन करती हूँ घर पर ही, वो भी वॉशिंग मशीन में। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छे से ड्राई क्लीन हो जाता है कि मुझे बाहर पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी वॉशिंग मशीन है सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसका टब है 6.2 केजीज का, और उसमें मैं एक मोटा और एक पतला कंबल जो है, जो एक क्विल्ट आता है और प्लस एक पतली सी जो चादर आती है वेलवेट की, उसे धोती हूँ। 6.2 केजीज का है, बहुत ही आसानी से वो ड्राई क्लीन कर देता है। और कैसे करता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस वीडियो के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आने के बाद उसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये दूसरों के लिए भी फायदेमंद होनी चाहिए। कि जो ब्लैंकेट्स होते हैं उन्हें ड्राई क्लीन करने की सबसे बड़ी बीमारी होती है कि सर्दी गर्मियाँ आ गई हैं, ब्लैंकेट्स को क्लीन करना है, उन्हें ड्राई क्लीन करना है, और मार्केट में देने में 1000 रुपये लग जाते हैं यार। वो 1000 रुपये लेते हैं एक ब्लैंकेट को धोने के लिए। तो अगर आपके घर में फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो आप अपने 1000 रुपये बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरीके से ब्लैंकेट्स को घर पर ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। ये हैं मेरे 2 ब्लैंकेट, तो चलिए इन्हें फटाफट से ड्राई क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी है सैमसंग की वर्बल फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसका टप है 6.2 केजीज, और इसमें मैं 2 कंबल धोने वाली हूँ, एक है क्विल्ट और एक है पतले वाली चादर जो वेलवेट की होती है उसे। अब मैं पानी को नॉर्मली, जैसे आप, अगर आपने मेरा लॉन्ड्री रूटीन देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं थोड़ा सा 2 बाल्टी पानी जो है वो टब में पहले से ही भर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ईजी का। ईजी बहुत ही आसानी से वुलन कपड़ों को धो देता है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब इसमें मैं 2 ढक्कन जो है ये ईजी के डालूँगी, सेम ईजी वाला ही ढक्कन है जो उसकी बॉटल का है, उसे मैं डाल दूंगी, और इसकी जो ढक्कन है उसमें से भी पूरा का पूरा मैं इजी निकाल लूंगी। अच्छे से आप निकाल लीजिए पानी से, आप चाहें तो इसी के पानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक मग में पानी लेके इसे डिल्यूट करके भी बीच में डाल सकते हैं, इससे ये अच्छे से पूरे उसमें आ जाता है, अच्छे से जो है वो घुल जाता है। नहीं तो ये अगर आप ऊपर से डालेंगे तो ये आपके कंबल के ऊपर चिपक जाता है और वाइट वाइट छोड़ देता है, और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं इसी तरह डिल्यूट करके ही इसे डालती हूँ। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और 2 मिनट घूमने दूँगी। अब ये घूम चुके हैं, अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो है कंबल्स डाल दूँगी, दोनों के दोनों। अब ये बीच में डल चुके हैं और इसमें मैं दोनों कंबलों को डालकर बंद कर दूंगी और 72 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दूंगी। अब 72 मिनट्स हो चुके हैं और दोनों कंबल जो हैं धुल चुके हैं। अब इन्हें मैं बाहर धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए, और जब ये सूख जाएंगे तो मेरे कंबल जो हैं वो ड्राई क्लीन हो चुके हैं, और इन्हें मैं लपेट कर अच्छे से बंद कर इन्हें रख दूंगी स्टोर करके। पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल बटन है, बेल बटन ऐसा सा बेल बटन है, उसे क्लिक कीजिए और उसको 2 बार क्लिक कीजिए ताकि उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा आ जाए। ये सिर्फ वो लोग करें जो नए हैं, पुराने लोग अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल बटन को आपने हिट नहीं किया तो उसे भी हिट कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।